सिस्टम। मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब लोग भी यहाँ पर स्वस्थ हैं। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है, तो बाग में जाएंगे और वहाँ से आम लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा गाइज हमारे साथ हमारी इस वीडियो में और इंजॉय कीजिएगा। गाइज, यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और मम्मी भी रेडी हैं, बस गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं। और आर्यन का भी, टीरू भी जा रहा है साथ में। बाग में जाऊंगा, टीरू भी आम खा कर आएगा। तो गाइज, अब हम घर से निकल चुके हैं गांव की तरफ। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं लखावटी और यहाँ पे बच्चे आराम कर रहे हैं, दोनों सो चुके हैं और मम्मा बैठी हुई हैं। बस अब चल, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे गांव। तो देखिए गाइस, ये सुबह सुबह का है, यहाँ पे रोड का नजारा। सभी लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। A few moments later. तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पे और ये अभी प्रियांशी तो लेटे हुई है। तो गाइस, हम आ गए घर पे और यहाँ पे हमारा अमरूद का पेड़ कट चुका है और यहाँ पे दोबारा से पापा जी ने फर्श करा दिया, चेंज हो गया। पहले आए थे कुछ और था, अब आए हैं कुछ और है। तो गाइस, अब हम आए हैं यहाँ पे देवता नहलाएंगे। प्रियांशी लॉक खोलते हुए कोशिश कर रही हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे कितने अनार लगे हुए हैं। ये किसी और के हैं जो कि हमारे यहाँ पे आए हुए हैं हमारी साइड में। अब चलें यहाँ पे पूजा कर लें। पहले करते हैं सफाई क्योंकि काफी कूड़ा हो रहा है। मम्मा देखो कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे बच्चे। लाओ लगाओ, छोड़ो मैं लगाती हूँ। गाइस, यहाँ चल रही है सफाई, यहाँ मम्मी सफाई कर रही हैं। कितनी पत्तियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ। और यहाँ पापा खड़े हैं और यहाँ मम्मा ये जंगली पौधों को उखाड़ रही हैं, निकाल रही हैं। गाइस, हम जा रहे हैं माता रानी को नहलाने के लिए गांव में। आज पहली बार जा रहे हैं हम, क्योंकि आए हुए भी हैं और फिर घर पे भी पूजा होगी माता रानी की। तो हम चलते हैं और माता रानी को भी नहला कर आते हैं, पूजा करते हैं वहाँ पे। जी, हम जा रहे हैं बाइक पे, पापा जी की बाइक यहीं पे थी तो बाइक पे जाना है। अब हम आ चुके हैं अड्डे पे। तो गए जी, ये है यहाँ पे झोड़, वो दिखा है माता रानी का, वो आम का पेड़ बता रहे थे पापा जी, पता नहीं अब वही। तो यहाँ पे ये झोड़ है गाँव की, पता भी तो ना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी हमारे आ चुके हैं, यहाँ पे खेत, हमारे खेत हैं यहाँ पे। तो गाइज, अब यहाँ पे हम फाइनली आ चुके हैं माता रानी के मंदिर में, बड़ी मुश्किलों के बाद, क्योंकि रास्ता नहीं था यहाँ पे, ऐसे खेत में होके आए हैं। और हमें कुछ पता भी नहीं था रास्ते का। जय हो माता रानी। तो गाइस, यहाँ पे ये माता रानी के मठ बने हुए हैं। गाइस, हम आ चुके हैं माता रानी की पूजा करके घर पे, अब चलते हैं घर। तो गाइस, यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, अब जल्दी से चाय बनाते हैं और पापा को भी देते हैं। पापा जी भी यहीं पे हैं, पापा जी फिर नाश्ता करेंगे और यहाँ पे हम भी पियेंगे चाय, क्योंकि मेरा तो आज व्रत रहेगा। हमने यहाँ पे आके पूछा था ताई जी से, तो ताई जी ने बोला है कि शाम तक आज मेरा व्रत रहेगा, क्योंकि घर पे हम जगाएंगे आज शाम को, रात जगाएंगे, आर्यन की रात जगेगी आज। तो गाइस, अब हम सब जा रहे हैं बाग पे,
यहाँ पे भैया भी हैं और आंटी जी भी हैं और उधर दीदी हैं, हम सब लोग जाएंगे मिलके बाग में करेंगे खूब सारी मस्ती। यहाँ पे मम्मी और ताई जी और आंटी जी तीनों बात कर रही हैं। ये हैं भाई भैया की मम्मी, जो आंटी खड़ी हुई हैं, और ये हमारी ताई जी हैं, ये गांव में ही रहती हैं। यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, आ गए हैं हमारी गाड़ी, गाड़ी में जल्दी से बैठेंगे हम सभी। तो गाइस जब हम आ गए हैं बुआ जी के घर पे, लॉक खोलो। तो गाइस अब हम सब जा रहे हैं बुआ जी के घर पे, आ चुके हैं, अब चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये मूडे डले हुए हम लोगों के लिए और सारा घर एकदम रेडी है, चकाचक हो रहा है, पूरा पैंट वेंट हो के। पहले आए थे तो तब काम चल रहा था, अब एकदम से रेडी है। असाइद यहाँ पे तो गुड़िया भी आई हुई है, वाओ अब अच्छा लग रहा है। हेलो मिष्टी, यहाँ पे मिष्टी भी है। हेलो बुआ नमस्ते। तो यहाँ पे हमारी गुड़िया भी है, अच्छा। तो देखिएगा यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, हम सब लोग यहाँ पे आ गए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घेर में जामुन लेने के लिए, हमने ले लिया है ये बर्तन। अच्छा घेर में लगी हुई है जामुन, तो चलते हैं देखते हैं हमको कितनी जामुन मिलती है। बुआ जी ने बोला है जाकर ले आइए, हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं रूम में देखने के लिए, यहाँ पे हमारा मोनी सोया हुआ है और सब यहाँ पे ऐसे ही साथ पड़ा हुआ। कौन सनी, सनी बाहर गया। तो अब हम चलते हैं घेर में गाइस। अरे वाह अब की बार तो ज़्यादा लग रही है भाई मिष्टी। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये है जामुन का पेड़। तो अभी तो ऐसे ही है भाई ज़्यादा। ओ यहाँ पे तो ये भी बना हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी जामुन तोड़ रही हैं, चेयर पे चढ़ गए हमारे घर की जामुन। तो गाइस देखिए यहाँ पे खड़े खड़े चल रही है हमारी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम जा रहे हैं जल्दी से बाग में, पापा जी पहुँच चुके हैं नहीं तो डांट लगेगी काफी तेज। तो सब लोग खड़े खड़े ही है, खड़े खड़े ही सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अरे भाई जामुन तो रख देना बोलो, तीन में मिष्टी जामुन। तो गए जब हम जा रहे हैं बाग पे, यहाँ से यहाँ पे बैठ चुके हैं सभी। तो गए हम लोग आ चुके हैं बाग में सभी लोग। और उधर पापा आम तोड़वा रहे हैं सामने। तो गए यहाँ पे दीदी तोड़ रही हैं आम, ये भी प्रैक्टिस कर रही है आम तोड़ने का, इनका काफी मन था आम तोड़ने का। तो यहाँ पे आम गिरे हुए हैं। बचपन का ख्वाब पूरा हो रहा है। मैं सोच रही बहुत आसान होता होगा इससे तोड़ना, मैं तो ये सोच रही बस यूं ही हिल जाता हूँ टूट जाता होगा। हाँ तो देखिए गाइस कितनी मोटी आमी है ये हमारे बाग में। दीदी तो फेस को देखो, सही बात है नहीं ऐसा लग रहा था फेस पे आ रही हो। देखिएगा आम तोड़ के हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए गाड़ी की धुलाई हो रही है, यहाँ पे बच्चे भी नहा रहे हैं। ये वाहिद भैया अपनी गाड़ी की धुलाई कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। देखिएगा प्रियांशी भी नहा रही है, आओ आ रही ना, तो सारे भीग गए। गाइस अब हम जा रहे हैं घर, बाग से आ चुके हैं आम लेके। अरिन आप क्या खा रहे हो? अरिन खा रहे हैं बिस्किट, नीले कपड़े हैं बाल का। तो गाइस हम रुके हुए हैं यहाँ पे औरंगाबाद में, यहाँ की मसूर टिक्की खाने वाले हैं ये सभी। मेरा तो फास्ट है आज, तो यहाँ पे मम्मी आर्यन और प्रियांशी खाएंगे टिक्की, और जो हमारी पीछे वाली गाड़ी है वाहिद भैया वो भी रुके हुए हैं, वो लोग सब टिक्की लेने के लिए गए हैं और हम बैठे हैं यहाँ पे गाड़ी में। सब लोग टिक्की खाएंगे क्योंकि सबको लग रही है काफी भूख, तो हम तो नहीं खाएंगे आज। अब ऐसा पीछा फेर कर बैठे थे इसके हवाले से। तो गाइस काफी धूप हो रही है, टाइम हो रहा है 1 बज चुका है इस टाइम, 1 बजे देखिए कितनी गर्मी है, बारिश का नामो निशान नहीं है, बादल तो हो रखे हैं यहाँ पे।
अब तो मार्केट में आम ही आम नजर आ रहा है चारों तरफ। क्यों बेटा, ये इधर भी है साइड में, ये रही आम की ठेली। अरे मम्मी देखिएगा, यहाँ की मसूर टिक्की आ चुकी है। कहाँ की? औरंगाबाद की टिक्की है ये तो। और यहाँ पे ये मम्मी की है, बहुत टेस्टी लग रही है दिखने में तो। और अब सब लोग इंजॉय करेंगे, खाएंगे ये। प्रियांशी भी खा रही है। आर्यन खाएगा मम्मी के साथ। पहले वो लगा ना चार, फिर लगाई, फिर कही पांच कर दो मेरी, आठ हो गई। फिर अब जब देख के वापस गया, फिर कह रहे एक और लगा। A few hours later. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे, तो अभी यहाँ पे बच्चे और मम्मी सब लोग करते हैं थोड़ी देर आराम। तो मिलते हैं गाइस अब आपसे कुछ देर बाद। A few moments later. तो गाइस सब लोग आराम करके अब उठ चुके हैं, अब हो रहा है चाय वाय का टाइम। तो अब यहाँ पे हम आम भी लेकर आए थे, तो आम भर रहे हैं अब कार्टूनों में। तो ये मम्मी जी और हम भर रहे हैं आम कार्टूनों में, अब इनको पकाएंगे। अच्छा वैसे मम्मा सारा आम ये हमारे ही बाग का है, एकदम बड़ा बड़ा। हाँ तो खिला दूंगी। तो और गाइस यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, और यहाँ पे बच्चों के लिए बनी है मैक्रोनी, उनको लग रही है हल्की फुल्की सी भूख, तो इसलिए मैक्रोनी बनाई है। आज तो खाना भी हमको जल्दी बनाना पड़ेगा। तो गाइस अब बच चुके हैं शाम के साथ, तो हम धागे हो चुके हैं रेडी, क्योंकि हमको करनी है पूजा माता रानी की। आज रात जगेगी आर्यन की, ये बेटे की रात जगती है, तो यहाँ पे आज हमारी रात जगेगी, गाने वाने होंगे और माता रानी के छन गाए जाएंगे और मेहंदी बटती है इसमें। और जो भी होगा गाइस आप बने रहिएगा और देखिएगा हमारे इस ब्लॉग को और इन्जॉय कीजिएगा। और हमने खाना सब रेडी करके रख दिया है, क्योंकि फिर गीत वीत गवेंगे तो इसलिए। और मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं और सब हमारा अब रेडी है। बस कुछ देर में एक अम्मा है जो कि पूजा करवाएंगी हमारी, जो माता रानी की भजन गाती हैं, तो वो आएंगी और आके फिर हम पूजा करेंगे। तो ये गाइस हमने रूम में यहाँ पे ये कालीन बिछा दी हैं, यहाँ पे हमारे भजन होंगे। और यहाँ पे हमने ये गोसे की करसी ला के रख दी है, जिससे कि यहाँ पे हमारी धूप होगी। और बच्चे भी अभी अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मी भी हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है काफ़ी, तो सब लोग बैठे हुए हैं एसी में। तो बस हमें आंटी का वेट हो रहा है कि वो कितनी देर में आने वाली हैं। तो गाइस ये हमारे यहाँ पे माता रानी की रात बोलते हैं, सो रात जगती है बच्चों की, जो अपने बच्चे होते हैं तो जोड़े से नहीं जगती है, जैसे कि अब 7 साल हो या फिर बच्चे 8 साल में होते हैं तो भी नहीं जग पाती है, इसलिए जोड़े की नहीं जगती है। तो इसलिए हमारे बच्चे भी जोड़े से नहीं है, तो इसलिए उनकी उम्र जो है जोड़े से नहीं है, तो इसलिए अब हम उनकी रात जगवा रहे हैं। और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें और रक्षा करें सबकी। तो गाइस जितने हम हमारे घर पे आंटी जी आती हैं, तो इतने हम जो भी बांटेंगे वो रेडी कर लेते हैं। मेहंदी तो बढ़ती ही बढ़ती है, पर और आपकी इच्छा है जो आप लोग बांटना चाहें वो आप बांट सकते हैं। तो इसलिए हम लेकर आए हैं, यहाँ पे है पेठे की मिठाई, ये है पेठे की मिठाई, और ये मम्मी लेके आई हैं, ये हम लेके आए थे लुटिया, जो कि सबको लुटिया और वो देने वाले हैं पेठा सबके लिए। अरे यार लेकर अब जल्दी से इनको हम पैक करते हैं और फिर सबके लिए देंगे। अब 8 बजे। तो गाइस यहाँ पे हमारी होने लगी है पूजा की तैयारी, और ये हमने रख ली है मेहंदी, और यहाँ पे हमने ले लिया है जल, और ये है इसमें माता रानी का श्रृंगार, सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं। और अब यहाँ पे पूजा करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले हम तुमको मनाए, दो दीपों की जोत जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, ले भोले भगवान दे दो भक्ति का दान, अमृत रस भर सा जाना, आ जाना देवी विनायक देवा, सबसे पहले कर तेरी सेवा, सारे जग में ये आनंद छाया, बोलो बोलो गजानंद देवा, बाजे सूरे और ताल तेरा गुणगाए गोपाल, बाजे सूरे और ताल तेरा गुणगाए गोपाल, भोले दो की खन खन का जाना प्रभु राजा, बोलो भगवान की जय। बता से चो की मुटवा के सोवे भले मैया के अरवा, सोवे माला लाल लाल माला
और दोनों की आवाज भी गंगा जी नहाने लगे पकड़ दिलवाने के लिए तो हाथ की गाड़ी सारी उनके पीछे लग गई। आधा समय फूफा ने पूछा फूफा से भाई तुम्हारा कौन आई हुई है उनकी आवाज ऐसी हेलो गाइस। तो गुड मॉर्निंग। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पूजा की तैयारी क्योंकि यहाँ पे अब हम कुत्ते को पूड़े बना के खिलाएंगे तो यहाँ पे पूड़े बन रहे हैं और अब यहाँ पे पूजा होगी आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये बन रहे हैं हमारे मीठे पूड़े और यहाँ पे है घोल रेडी और ये पूड़े बन चुके हैं और अब पूर करेंगी मम्मा सबके ऊपर लोटा उतार के तब पूजा करेंगी। तो गाइस ये मम्मी जी ने 7 जगह रख ली हैं ये छोटे छोटे पूड़े माता रानी के सबके अलग अलग होते हैं तो अब ये 7 जगह 10-10 पूड़े रख लिए हैं और अब यहाँ पे लोटे से पूजा करेंगी मम्मा। जोत भी जलेगी अभी तो गाइस अभी यहाँ पे मम्मी जी ने कर दी है पूजा स्टार्ट। अरे आ जाओ प्रियांशी आ रही है ना आओ बेटा बैठ जाओ चप्पल निकाल के आओ दूर। जाओ माँ के पास में जाओ मम्मी गई हैं बाहर भैरव बाबा को बुलाने के लिए। उठ जाओ तो यहाँ पे मम्मी ने भैरव बाबा के लिए खाना रख दिया है और भैरव बाबा आएंगे और ये खाना खाएंगे। तो गाइस बच्चे यहाँ पे पूजा करवा के यहाँ आ चुके हैं और ये जाएंगे मम्मी जी के साथ मंदिर में माता रानी को प्रसाद और नहला के आएंगी मम्मी। ये जा रहे हैं मम्मी जी के साथ मंदिर गर्मी काफी हो रही है बारिश का तो नामो निशान नहीं है अभी भी तो गाइस मम्मी जी चली गई हैं मंदिर और हम जल्दी से और पूड़े बनाते हैं जो कि मम्मी यहाँ पे कॉलोनी में सभी के घर देकर आएंगी तो बने रहिएगा गाइस हमारी इस वीडियो में। A few moments later. तो गाइस मम्मी जी आ चुके हैं मंदिर से पूजा करके। तो गाइस मम्मी जी कॉलोनी में सभी आंटियों के घर पे भी पूड़े देकर आ चुकी हैं और हमारी रात जगे का सारा काम खत्म हो चुका है तो अब चल रहा है अषाढ़। तो अषाढ़ का जो स्टार्टिंग में जो सोमवार होता है या फिर लास्ट वाला सोमवार पड़ता है उसी को रात जगती है तो इसलिए हमने जो फर्स्ट वाला सोमवार पड़ा था तो हमने आर्यन की रात जगा दी है फर्स्ट वाले सोमवार को ही
तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा हमारे ब्लॉग को। तो गाइज मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।